हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम जा रहे हैं नर्सरी। मतलब इनको पता नहीं क्यों कैसे ध्यान में आया कि आज ही हमें पौधे लाने हैं, और कितनी देर से जिद कर रहे हैं कि नहीं आज ही हमें पौधे लाने हैं। तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ नर्सरी इनके साथ पौधे लाने के लिए, और पता नहीं अभी क्या लेंगे और क्या नहीं। और इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। मेरे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब भी मैं रेडी होने जाती हूँ, एक तो पहले बताते नहीं है, दूसरी बात मतलब टाइम पर बताते हैं और बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और इनको ड्यूटी भी जाना है 6 बजे, तो 5 बजे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो चलिए फिर जल्दी से जाके आ जाते हैं हम लोग। तो गाइज, यहाँ पर आ गए थे हम नर्सरी में, और यहाँ पर ना हम लोगों ने पड़ोस के भैया और दीदी को ले लिया था, क्योंकि उनको थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही नॉलेज है उनको ये प्लांट वगैरह प्लांटेशन वगैरह करने का। तो इसी वजह से उनके यहाँ पे ना काफ़ी सारे पौधे हैं, और इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया था, इनको उनके यहाँ के पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने उनको ले लिया था साथ में, कि ताकि वो थोड़ा सा गाइड कर सके हमें कि कौन कौन से पौधे लेने हैं या कौन कौन से पौधे कौन से सीज़न में अच्छे रहते हैं। तो इसी वजह से भैया हमें बता रहे थे कि कौन कौन से पौधे लेने हैं। तो मैं सिर्फ कलर चूज़ कर रही थी, दीदी ने भी कलर चूज़ करने में हेल्प की, तो इसी वजह से, और उन्होंने ना मतलब निकालने में हेल्प की कि कलियों वाले पौधे लेने हैं, ज़्यादा फूल वाले पौधे नहीं लेने हैं, तो क्योंकि फूल वाले घर पे लेके जाने के बाद फिर खुलेंगे नहीं उसके फूल वगैरह ऐसे वैसे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमें, और ये ना 35 रुपीज़ का पौधा था, मतलब 35 रुपीज़ पर पीस ऐसे पौधे थे ये वाले जो हम ले रहे थे शेवंती के। तो और ये जो है मतलब इतने सारे थे कि चूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा कलर ले और कौन सा कलर नहीं। तो हम लोगों ने मतलब इस तरह से हम लोगों ने ऑरेंज, रेड, बरगंडी इस तरह से ऐसे इस वाले पौधों में लिए हैं 3 4 कलर, 3 4 कलर नहीं, 5 6 कलर लिए हैं, और इस तरह से सारे कलर मतलब थोड़े से ब्राइट कलर लिए थे। तो और काफ़ी ज़्यादा मतलब कलरफुल लग रहे थे वहाँ पर देखने में, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारे कलर के मैं पौधे ले लूँ, बट ये बोल रहे थे कि ये सीज़न वाइज है, मतलब ये सीज़न में ही इसके फूल आएंगे, दूसरे सीज़न में नहीं आएंगे, तो इसी वजह से ये कोई काम के नहीं, मतलब काम के तो है, मतलब इस सीज़न में अच्छे दिखेंगे, दूसरे सीज़न में वो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ पौधे ही रहेंगे, उसको फूल नहीं आएंगे। तो इसी वजह से फिर इतने ले लिए थे, जितने लिए थे। फिर आपको मैं बाद में उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मतलब कैसे हम लोगों ने लगाए हैं और कहाँ कहाँ पर लगाए हैं कौन कौन से पौधे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बट इस वीडियो में आप देख लीजिए कि कौन कौन से पौधे हम लोगों ने लिए हैं, और बस इतने सारे हम लोगों ने, और ये वाले ना 45 रुपीज़ पर पीस मतलब ऐसे थे, और काफ़ी सुंदर लग रहे थे, ये भी हम लोगों ने लिए हैं। तो इस तरह से, और सारा मतलब आपको नर्सरी भी घुमाऊंगी मैं, किस किस तरह से ये नर्सरी है, मतलब किस तरह से वहाँ पर पौधे हैं, और पौधे देखने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज, मतलब बहुत ही फ्रेश फील होता है वहाँ पे। तो इतना मतलब ऐसा लगता है कि कौन से पौधे लूँ और कौन से नहीं, ऐसा लगता है। गुलाब के पौधे भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे, गुलाब बहुत अच्छे अच्छे थे, ऑरेंज, रेड, पिंक वगैरह बहुत डार्क डार्क गुलाब थे, और ये भी मतलब काफ़ी अच्छे रोज़ लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पर हम लोग फिर पीछे गए, तो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लांट्स थे। तो यहाँ पर ये वाली जो नर्सरी है आगे से कुछ इस तरह से दिखती है, सारे आगे ऐसे ही फ्लावर्स के पौधे हैं यहाँ पे, और फिर पीछे ना उन लोगों ने आउटडोर इंडोर प्लांट्स रखे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मतलब हम लोग पीछे गए थे, तो पीछे फिर हम लोगों ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्लांट्स थे वहाँ पे, बट महंगे ही बहुत थे यार। मतलब पिछली बार ना हम लोगों ने 2000 के प्लांट्स लाए थे, बट वो ना एक ही बार मतलब थोड़े दिन रहे, और फिर धूप की वजह से ना हमारे घर पे आप लोगों को पता ही है कि डायरेक्ट धूप आती है, क्योंकि पूर्वमुखी जो होता है ना प्लॉट हमारा वैसा है, तो मतलब क्या बोलते हैं, सूरजमुखी प्लॉट है हमारा, सूरजमुखी घर अच्छा होता है बोलते हैं, मतलब अच्छा ही होता है, बट ना धूप डायरेक्ट आती है वहाँ पे, और आगे जो किसी किसी के पौधे को ना धूप डायरेक्ट नहीं मतलब सहन होती। तो ये वाले पौधे 350 वगैरह के बता रहे थे, ये वाले थे इस तरह से, और जो वो वाले जो स्नेक प्लांट बोलते हैं उसे, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, बट ये बोल रहे थे कि अद्विक की वजह से अद्विक तोड़ देता है, तो थोड़े से बड़े अद्विक थोड़ा सा बड़ा हो जाए कि हम लोग ऐसे प्लांट ले लेंगे घर के अंदर लगाने के लिए, मतलब इंडोर प्लांट्स। तो इस तरह से ये वाले पौधे थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे गाइज, और ये जो मतलब ये गमले वगैरह यहाँ पर रखे थे, और मतलब काफ़ी अच्छी नर्सरी है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है यहाँ पर, जो गमलों में हम लोग नहीं डालते हैं वो क्या बोलते हैं तो उसे स्टोन्स वगैरह, वो यहाँ पर वो बर्ड्स के लिए,
वो थे, यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे स्टोन्स वगैरह के साथ, तो ये स्टोन्स थे, अलग अलग वैरायटी के स्टोन्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोन्स थे, बड़े छोटे इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोन्स थे। और ये वाली जो क्या बोलते हैं, तो उसे गमला था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये मार्बल का है, इसी वजह से मैंने हाथ लगा के देखा था, बट वो प्लास्टिक का था, तो मैंने इनको बोला भी कि अरे यार मुझे ये मार्बल का लग रहा है, दूर से तो देखने में मार्बल का ही लगता है वो, बट वो प्लास्टिक का था, तो अच्छा था, मतलब घर के अंदर रखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है वैसे वाले पौधे, और उसमें इंडोर प्लांट्स लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो वाला मतलब पौधे बोल रही हूँ, वो वाला गमला, तो इस तरह से था। और यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ पिक किए थे पौधे, तो इस तरह से काफ़ी सारे पौधे हो गए थे हमारे, तो वो वाले लिए थे। फिर वो खाद होता है ना, खाद डालने के लिए वो भी लिया था हम लोगों ने, उन लोगों ने बताया था कि ये वाले, और ये वाले पौधे ना जो आप देख रहे हो अभी, ये वाले हम लोग पिछली बार लेके गए थे, काफ़ी सारे पौधे लेके गए थे, आपको बताया था कि 2000 के पौधे लेके गए थे हम लोग, बट इतने जल्दी ख़राब हो गए ना यार वो, मतलब धूप में ना काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं पौधे, तो सारे ये जो आप देख रहे हो ना, सारे पौधे हम लोग लेके गए थे, कोई 250 का, कोई 350 का, इस तरह से ये पौधे हैं, बट काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में, तो काफ़ी सुंदर दिखते हैं, बट ना रहते नहीं हैं, बहुत केयर करनी पड़ती है, और इनको ड्यूटी की वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट इनको शौक है ज़्यादा मतलब पौधे वगैरह लगाने का, बट मुझे तो समझ में नहीं आता है इसमें से, तो मैं ये देख रही थी, ये बोनसाई बोलते हैं ना, तो उस तरह से है ये जो प्लांट्स है वो, ये क्या बोलते हैं, जामुन वगैरह के पेड़ है, मतलब वो छोटे छोटे जिसकी ग्रोथ नहीं होती है वो वाले पेड़ है, मुझे अच्छे लगते हैं, बट ये वाले बोलते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए ऐसे वाले, क्योंकि हमारे बरकत नहीं रहती ये बोलते घर में, तो ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता इतना, तो हम लोगों ने ये वाले फिर अंदर आए थे शॉप के ऊपर, ऊपर शॉप है तो यहाँ पर पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे हम लोगों ने देखे, तो ये बम्बू वगैरह ना, तो हम लोगों ने देखे थे, तो बम्बू बोल रहे थे कि भैया बोल रहे थे पड़ोस वाले हमारे कि बम्बू एक गिफ्ट किया जाता है, गिफ्ट ही दिया जाता है तो ही बरकत होती है, नहीं तो फिर ऐसे खुद से नहीं लिया जाता है, तो हमने क्या किया था, दो लिए थे, उन्होंने हमारे लिए और हमने उनके लिए, तो ऐसे करके हमें लेना ही था, तो फिर उन्होंने हमारे लिए लिया और हमने उनके लिए लिया, तो हमने उनको गिफ्ट दिया, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, और ये शोपीस हम लोग देख रहे थे 3,500 3,000 ऐसे कुछ शोपीस थे, ये वाले ब्लैक कलर के, तो ये भी इन्होंने शूट कर लिए फिर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, बट थोड़ा सा रखने का प्रॉब्लम था कि कहाँ रखने के लिए जगह नहीं थी, इसी वजह से, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये सारे शोपीस तो, या कुछ शोपीस तो हमारे घर पे पिछले बार लिए ही हमने, इस तरह के ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह के तो लिए ये वो वाले अमेजोन वाले शेल्फ में, बट दूसरे अगर लेते भी तो जगह नहीं थी हमारे यहाँ पे, बट मुझे ये ना ब्लैक कलर का ये 3 पीस का सेट है, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मैंने इनको बोला था कि हम लोग ये ले लेंगे, बट ये बोले कि जगह कहाँ पे है, कहाँ पर रखेंगे, ले भी लेंगे तो, पर मैंने बोला जब हमारे टीवी यूनिट अच्छे से बन जाएगी तब हम लोग ले लेंगे, तो इस तरह से। और ये जो प्लांट है वो जो हमारे घर पे प्लास्टिक के जो प्लांट है वो आर्टिफिशियल वाले वो है ये, तो इस तरह से ये, और ये जो वास है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं ना तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आ ही जाती है, और हम लोगों का मन करता है घर पे लेने का, और ये जो है बम्बू के प्लांट हम लोगों ने ले लिए थे छोटे छोटे, तो ये हम लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट किए थे फिर, ये सारे तो वो लेडीज़ डिक्की में डाल रही है सारे जा जा के, तो यहाँ पर सारे वो प्लांट्स डिक्की में डाल रही है, और ये वाला जो है ना, ये क्या बोलते हैं, तो उसे गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल जो यूज़ किया जाता है हेयर ऑयल में, तो वो है, बट ये क्या बोलते हैं, तो उसे ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता होगा, बट ये कलरफुल था, और यहाँ पर हम लोग दूसरी नर्सरी में आ गए थे क्योंकि भैया बोल रहे थे कि यहाँ पर गुलाब के जो पौधे हैं वो अच्छे मिलते हैं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो हमें बाहर ही एक अमरूद वाला दिखा था, अमरूद बेच रहा था, तो वहाँ से हम लोगों ने अमरूद खरीद लिए थे, मुझे इतना अमरूद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़ुकाम है फिर भी अमरूद हमें खा ही रही थी, मुझे ना अमरूद देखती हूँ ना तो मतलब मेरा कंट्रोल ही नहीं होता है मुझसे, जो कच्चे कच्चे अमरूद होते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पसंद है क्या मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मुझे मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है, जैसे ही मैंने गाड़ी से वो देखा अमरूद वाला, तो मुझे उसके पास जैसे मुझे अमरूद चाहिए थे वैसे दिखे ना, तो मैंने जल्दी से इनको बोला कि गाड़ी रोको पहले, अगर नर्सरी से अंदर जाने से पहले हम लोग अमरूद खरीदते हैं, फिर हम लोगों ने अमरूद खरीदे और वहाँ पर ही खा लिए सब लोगों ने, तो इसी वजह से हम लोग खाते हुए, सब लोग आपको खाते हुए दिख रहे होंगे, अमरूद खा रहे हैं हम लोग सभी लोग, और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर नर्सरी में एंजॉय किया, काफ़ी सारे पौधे खरीदे, और बस हम लोग घर पे चले आए थे फिर। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे और कितने सारे पौधे लेके आए हैं, मतलब
जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मतलब इतना ये नहीं था कि पौधे इतने सारे लेके आएंगे, बट हम लोगों ने ना वो क्या बोलते हैं, करती कटिंग के लिए, तू दाखो लिमी, ये स्पाइक नहीं दिख रही है ना अभी, ये देखो यादविक की कट, हेयर कट, स्पाइक नहीं दिख रही है ना, नहीं फैशन नहीं वहां पे, नहीं 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 उसमें से कोई भी नहीं, फैशन नहीं चलेगा, क्यों नहीं, नहीं फैशन नहीं चलेगा क्योंकि ठंड है बाहर, हम लोग ना अभी मेले में जा रहे हैं, इसी वजह से ये दो टॉप लेके आई है माही। नहीं 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 कोई भी नहीं, फैशन नहीं चलेगी वहां पे, वो स्वेट शर्ट पहनो, और एक ही एक स्वेट शर्ट आप, नहीं नहीं एक ही स्वेट शर्ट है आपके पास, वो नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं तो मेरे साथ आओ मत। हाँ तो चलो, हाँ स्वेट शर्ट पहनो, हाँ हाँ तो हमने ना अमरूद खाया, इसी वजह से वो ये क्या बोलते लिपस्टिक रेड हो गए। हाँ आपने भी खाया? बस बस बस, काकड़े आंटी नी पण तू पण खाल्ला, हाँ मी पण खाल्ला, सर्वांनीच खाल्ला, शिवानीच सर्वांनीच, किती दोन दोन सर्वांनीच। ये ना स्पाइक इस तरह से, अभी उस दिन ना उन्होंने वो करके दिया था अपना ब्लो ड्राई करके दिया था, तो इसी वजह से वो ऊपर हो गया था, तो अभी हाँ अभी दोनों में से पिंक। तो हाँ वही पहन लो जल्दी से और रेडी हो जाओ, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहां पे क्या बोलते हैं तो मेले में। हाँ, तू पढ़नी। गाइज हम लोग पहुंच गए थे मेले में, और यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ पे सिटी में मेला भरता है, मतलब इस वाले क्या बोलते हैं दिसंबर में, ये वाला मेला गाड़गे बाबा का मेला बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 10 रुपए का माल, 10 रुपए का माल, ये है वो। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, मतलब खरीदने का वो ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पर शॉप में जाओ और देखो, बट देखने का ही मज़ा कुछ और होता है, मेला देखने का मज़ा काफ़ी अच्छा लगता है मेला देखने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग मेला घूमने के लिए आ गए थे, और यहाँ पर हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब ये तो ड्यूटी चले गए थे, फिर ये नर्सरी से आ गए थे हम लोग, और इनकी ड्यूटी थी, तो जैसे कि आपको बताया मैंने, तो ये ड्यूटी चले गए थे। और बाहर ना मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा था, मतलब ठंड थी, तो इसी वजह से ना हम लोगों ने क्या किया था, अद्विक को लेके नहीं आए थे, अद्विक सो रहा था, तो इसी वजह से अद्विक को अंकल के यहाँ पे छोड़ दिया था, को हम लोग लेके नहीं आए थे। बट मुझे बाद में ना बच्चे खेलते हुए देखे तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मुझे लग रहा था कि मैं अद्विक को लेके आती तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि वो अद्विक भी एंजॉय करता, अद्विक को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें, बट वो ना नर्सरी से आने के बाद सो ही रहा था, तो इसी वजह से मैंने अंकल के पास छोड़ दिया था उसे, क्योंकि वहाँ पर आके वो सोता ना तो फिर मतलब ये होता, मतलब हमें भी एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता, और एक एंगेज ही हो जाता उसके बीच में, मतलब उसको लेना पड़ता है एक एक जनों को, तो उसे इसी वजह से हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पे उसको अंकल के पास छोड़ के, और यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे आदमी। और वहाँ पर ना बच्ची एक आई थी कि गुब्बारा ले लो करके, तो वहाँ पर माही ऐसे गुब्बारा ले लिया था हमने, तो इसी तरह से। और यहाँ पर हम लोगों ने वो उसमें भी बैठे थे हम लोग, ये जॉइंट जॉइंट व्हील में, बट इतना ज़्यादा रश था यार कि वहाँ पर थोड़ा सा ही एक दो चक्कर ही लगा रहे थे, बट आधा एक घंटा उसी में चला जा रहा था, तो इसी वजह से दो ही झूलों में हम लोग बैठे थे, बट वहाँ पर हमें शूट नहीं कर पाए। फिर जान पे आ रहा था वहाँ पे खड़े रहना, मतलब लाइन में खड़े रहना, और फिर बैठने के बाद फिर एक दो चक्कर लगा रहे थे, तो इसी वजह से काफ़ी जान पे आ रहा था वहाँ पे, इसी वजह से हम लोग बाकी के झूले में बैठे ही नहीं, तो माही बहुत नाराज़ हो गई थी। और यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे मिल गई थी, मतलब वहाँ पर हम लोग खा रहे थे कुछ, और वहाँ पर वो भी थे, तो उन्होंने फिर बोला मुझे कि हाय करके, तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं नहीं मतलब मैं आपको नहीं पहचानती, तो वो बोले कि मैं आपके सब्सक्राइबर हूँ करके, तो वो उनके हस्बैंड है और उनकी बेटी है, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के मुझे, मतलब ऐसे कोई होता है ना कि कहीं एक अचानक से आपके सब्सक्राइबर आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलके, काफ़ी अच्छे से बात हुई हमारे। फिर हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर फिर हम लोग ऐसे ही बुटिका बाल वगैरह ले लेके जो खाना था हम लोगों ने खाया, अच्छे से मतलब घूमे हम लोग, अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने बाहर, जो भी हम लोगों को खाना वगैरह था वो हम लोगों ने खाया पिया, मस्त मज़े किए। और ये वाले गेम्स थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने ये वाले गेम्स भी खेले, तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कुछ वो कुछ मिलता नहीं है, बट मज़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यार हम लोगों ने खेला करके, तो ये इस तरह से हम लोग खेले। और यहाँ पर ना वो जो बेबी है आपको दिख रहा है, वो माही से गुब्बारा मांग रहा था, वो वाला बलून चाहिए था उसे, और वो बलून ना माही ने दे दिया उसको, तो उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि अरे नहीं आप मत दो, ये ऐसे ही कर रहा है,
मतलब जहाँ भी जा रहा है वो खिलौने लेके मांग रहा है, और यहाँ ये जो बलून है वो दिखाई नहीं उसको, तो अभी उसके हाथ में दिख गया, तो मतलब उसको उसने मांग लिया, तो माही को मैंने बोला कि जाने दो दे दो उसको, तो वो कितना खुश हो गया था लेने के बाद। तो उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि यार ये कितना मांग रहा है सारे जगह, मतलब मैंने बोला कि नहीं बच्चे ऐसे ही होते हैं करके ऐसे करके, और हम लोग इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर, कुछ लिया भी या कुछ नहीं, सिर्फ खाया पे ऐश किया और ऐसे ही मज़े कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दिख गई थी, तो वो भी हमारे पास आ गई थी, तो ये जो मेरी फ्रेंड है उसने ले लिया था उसे, और उसकी मम्मी फिर वो बाद में फिर मम्मी को ढूंढ रही थी, तो उसकी मम्मी के पास दे दिया था हम लोगों ने उसे। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर, और सिर्फ मस्ती की, घूमे, खरीदा वरीदा कुछ नहीं है, सिर्फ खाया पिया और थोड़े से एक दो झूले में बैठे। माही को काफ़ी अच्छे, मतलब माही को ना झूले में बैठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, माही को झूले में बैठना था, बट मुझे ना वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना बहुत ही ज़्यादा जान पे आ रहा था, तो इसी वजह से मैं ना उसको बोल रही थी कि थोड़ा सा रश कम होने दो, उसके बाद हम लोग और आएंगे और फिर झूले में बैठेंगे। उसके बाद वो मान गई थी, तो फिर बाकी बाद में फिर उसने ज़िद नहीं की ज़्यादा वो झूले वगैरह में बैठने के लिए, तो एक दो झूले में ऐसे उसको भी बिठा दिया था हम लोगों ने, तो अकेले मतलब एक झूले में उसको भी बिठा दिया था अकेले को, तो वो मान नहीं रही थी। और ये जो उसके गले में लॉकेट है वो मैंने उसको खरीद के दिया था, ये बस एक ही चीज़ खरीद के दी थी वहाँ से, वही चीज़ खरीदी थी हमने। और उसके बाद फिर हम लोग चले आए थे घर पे, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था उस दिन हम लोगों ने। सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पे अभी, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया आज, मतलब कितने दिनों के बाद बाहर निकली हूँ, मतलब ऐसे एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर मतलब जहाँ पर मेले में गए थे तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और हाँ मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलके भी। उनके हस्बैंड से मिली, उनकी बेटी से मिली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने आपको दिखाया ही है कि कौन सी सब्सक्राइबर मिली थी। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। अभी बज रहे हैं 10:30 बजे, हम लोग गए मतलब घर पे आए थे, और अभी बज रहे हैं 11:45। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।